तो हम बहुत जल्दी दिखाते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है। रिफ्लेक्सिविटी में कोई भी ए मान लो, ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ए माइनस ए क्या होगा, ए माइनस ए इज जीरो, ए माइनस ए इज जीरो विच इज डिविजिबल बाय टू, जीरो इज डिविजिबल बाय टू, हेंस ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन आर। मतलब उस हर ए का ए से रिश्ता होगा, खुद का खुद से रिश्ता होगा जो कि रिलेशन आर में रहेगा, क्योंकि ए माइनस ए तो जीरो हो जाएगा बेटा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये सवाल मैंने कराया था, एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई फाइव या सेवन ऐसा कुछ लिखवाया था मैंने, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करें, मेरा एम है इक्विवेलेंस और पार्टीशन, इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशन देखना, इसलिए मैं थोड़ा इसको हॉट परसूट में कर रहा हूँ। सिमेट्रिक की बात करें तो हम मान लेंगे ए का बी से रिश्ता है, ए बी, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, जहाँ पे ए बी नेचुरल नंबर है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई फाइव, सॉरी बाई टू, माइनस कॉमन कर लेंगे तो बी माइनस ए, बात तो सेम ही है। अच्छा, तो अगर माइनस टाइम्स बी माइनस ए डिविजिबल बाई टू है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। समझ में आ रहा है बात, बी माइनस ए भी क्या होगा, टू से डिविजिबल होगा। बी माइनस ए का टू से डिविजिबल है मतलब क्या, बी कॉमा ए आर से बिलोंग कर सकता है। तो अगर ए का बी से रिश्ता था तो बी का भी ए से रिश्ता है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया, तो सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद भैया ट्रांजिटिविटी की बात करें, ट्रांजिटिविटी की बात करें बाबू, तो ट्रांजिटिविटी में क्या होगा कि हम मान लेंगे ए बी सी कोई नेचुरल नंबर है और ए माइनस बी आर से बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, और बी कॉमा सी भी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो क्या होगा आपका, हमने कहा था ए माइनस बी एंड बी माइनस सी बोथ आर डिविजिबल बाई टू। अच्छा, अगर ये दोनों टू से डिविजिबल है हमने कहा था, तो ए माइनस बी का होगा टू का मल्टीपल होगा, टू टाइम्स के वन, टू के टेबल में आ रहा होगा, और बी माइनस सी क्या होगा, कुछ टू टाइम्स के टू का बेटा, है कि नहीं। अगर ए माइनस बी टू से डिवाइड हो रहा है मतलब टू के टेबल में आ रहा होगा, मान लो के वन बार में आ रहा है, के वन क्या है, के वन के टू नेचुरल नंबर है, के वन के टू क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। तो खैर ये क्या आएगा आपका, तो इनको फिर हमने कहा जोड़ देंगे, तो बी बी कट जाएगा और ए माइनस सी यहाँ बच जाएगा। यहाँ क्या आएगा आपका, टू कॉमन कर लेंगे तो के वन प्लस के टू आएगा, के वन प्लस के टू आएगा भैया, ठीक है, के वन प्लस के टू आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी टू के टेबल में आ ही रहा होगा, के वन प्लस के टू, के वन के टू नेचुरल नंबर है, इनका सम भी क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, टू के हो जाएगा। तो अगर ए माइनस सी भी टू का मल्टीपल है मतलब टू से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। मतलब ये निकला ए कॉमा सी, मतलब ये निकला ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी क्या हुआ बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए का बी से रिश्ता है, बी का सी से रिश्ता है, तो ए का बी सी से रिश्ता है। इस बात को हमने प्रूव कर दिया, ये सवाल हमने कराया था, आप लोग को याद होना चाहिए शायद। तो यदि ऐसा हो गया तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आइए इनका रिलेशन बना लेते हैं, इनका रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, इन बातों को मैं मिटा रहा हूँ। आप लोगों ने लिख लिया भैया, जहां न क्लियर हो, अब मैं रिश्ता बना रहा हूँ, ठीक है। वास्तव में सवाल आपको यहाँ से स्टार्ट करना था, ठीक है, वो तो मैं आपको बस एक एक्स्ट्रा सवाल करा दिया ताकि सवाल ऐसा फंसे तो उसको हम लगा लें। तो वन का वन से रिश्ता होगा, टू का टू से होगा, थ्री का थ्री से होगा, फोर का फोर से होगा, क्योंकि खुद को किसी भी नंबर को अगर उसी से डिवाइड घटा दो तो जीरो आता है, और जीरो दो से डिविजिबल होता है। अच्छा, और क्या है, अच्छा दो से डिविजिबल होना है तो डिफरेंस इवन नंबर आना चाहिए ना, मतलब एक्स वाई जब घटा रहे हैं तो इवन आना चाहिए, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई दिक्कत बात नहीं है। तो वन का थ्री से रिश्ता होगा, बोलो हाँ, वन माइनस थ्री माइनस टू जो कि टू से डिवाइड होगा तो माइनस वन आएगा, ठीक है भैया। तो वन माइनस थ्री आपका ये हो जाएगा, ध्यान देंगे हम लोग। तो अगर वन का थ्री से रिश्ता है तो थ्री का वन से भी होगा,
क्योंकि थ्री माइनस वन भी टू होता है और टू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बाबू। अच्छा अब ये बताओ, अब ये बताइए वन का अब फोर से नहीं होगा, क्यों? वन माइनस फोर या फोर माइनस वन ऑड नंबर होता है, टू से डिवाइड नहीं होगा। आइए अब टू पे आते हैं, तो टू का रिश्ता फोर से होगा, टू माइनस फोर माइनस टू या फोर माइनस टू टू, टू कामा फोर या फोर कामा टू आपस में रिलेटेड होंगे। बोलिए आया कि नहीं आया, यही रिलेशन बनेगा, यही रिलेशन बनेगा। बोलो आ रहा है? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की? नो सर। नो सर, चलिए ठीक है। तो अब ये बन गया, तो चलिए अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, वन का क्या होगा बेटा, आंसर दो। वन का इक्विवेलेंस क्लास टू, सारे बच्चे आंसर दें, थ्री फोर, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, आंसर आ गया मेरे पास आदिका सर, वन का वन टू थ्री फाइव, वन थ्री सब इकट्ठा जवाब दो ना, जैसे कि सर वन का इतना टू का इतना थ्री, एक बार इंटर मारोगे सबका जवाब एक साथ आएगा। चलिए वन का रिश्ता वन से है, वन का रिश्ता थ्री से है, ध्यान देंगे हम लोग। तो वन में आएगा वन थ्री, टू में क्या आएगा, टू टू है और टू फोर है, तो टू और फोर आएगा इक्विवेलेंस क्लास। थ्री का रिश्ता केवल थ्री से है, नहीं थ्री का रिश्ता वन से भी है, और क्या होगा, फोर का फोर से है, फोर का टू से है, फोर कॉमा टू आएगा। दीज आर इक्विवेलेंस क्लास, वन का इक्विवेलेंस क्लास वन कॉमा थ्री, टू का टू कॉमा फोर, थ्री का थ्री कॉमा वन और फोर का फोर कॉमा टू। ठीक है भैया। पार्टीशंस की बात करूं मैं, तो पार्टीशंस क्या क्या होंगे इसमें, पार्टीशंस क्या क्या होंगे भैया, पार्टीशंस होंगे बाबू, बताइए पार्टीशन क्या क्या होंगे, सारे बच्चे कितने हिस्से हुए इस घर में, इस घर में कितने हिस्से हुए सारे बच्चे, जल्दी, बहुत बढ़िया, ख्वाहिश का आंसर है सर वन थ्री और टू फोर एक में, बहुत बढ़िया हार्दिका, यू आर ऑल्सो राइट, गुड रिचा, गुड वेरी गुड, दो पार्टीशन हुए वन थ्री और टू फोर का, बहुत बढ़िया। तो चलिए ठीक है जाट भाई, एथलीट, गुड। तो एक तो सर पार्टीशन हो गया वन थ्री, थ्री वन चाहे वन थ्री वाले की है, और एक पार्टीशन हो गया टू फोर, घर में हो गए दो पार्टीशन। अच्छा इन्हीं का इन्हीं से क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे तो आपको ये रिलेशन बन जाएगा वापस। तो ये आपका इक्विवेलेंस क्लास रहा, ये पार्टीशन रहा, ये सवाल आपका पांच नंबर का आता है और नंबर दे जाता है, इजी होता है क्योंकि बहुत बच्चे अनअवेयर रहते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको करिए। आई होप ये क्लास क्लियर हुई होगी ना, इंपॉर्टेंट क्लास थी इक्विवेलेंस क्लास, ये सब ये सारी बातें आपको किताबों में नहीं मिलती हैं, इसलिए हम लोग को जाना जरूरी था। ठीक है भैया। सर प्रूफ करने के बाद ये करेंगे, जैसे क्या होता है कि अगर आप सवाल देख करके आप अगर रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बना देते हो, आप अगर चाहते तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि सर इसमें रिलेशन कैसे बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, और ये रिफ्लेक्सिव भी दिख रहा है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है, ट्राइटिप भी दिख रहा है, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे। ठीक है भैया। वो तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप लोग शायद प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि ये डिविजिबल बाय टू इक्विवेलेंस क्यों है, तो हम आपको प्रूव करना इसलिए सिखा दिए क्योंकि भाई अकेला खुद में ये पांच नंबर सवाल आता है सर, वो जो प्रूविंग पार्ट है वो होता नहीं, नहीं अगर देखो बात समझो ना बेटा, पांच नंबर का सवाल है ना बाबू, तो हालांकि ये तो बहुत ही टफ नहीं रहा, पार्टीशन और इक्विवेलेंस क्लास निकालना बहुत टफ नहीं रहा, कभी कभी क्या होता है कि ये निकालना अपने आप में जब टफ होता है तो उस केस में खाली हम यही निकालते हैं पार्टीशन और इक्विवेलेंस क्लास, हालांकि ये देख रहे हैं हम लोग कि दो ही लाइन में हो गया, तो इसके लिए करना, इसके लिए आप ये करना कि आप वो डिराइव भी कर देना, लग रहा है कि पांच नंबर का है लेकिन सोल्यूशन मेरा बहुत छोटा है, तो आप डिराइव भी कर देना, आपको अगर तो कंडीशनल होता है, अगर सवाल कितने नंबर का है उसको देख करके हम लोग जवाब देते हैं। ठीक है भैया। अब मान लो यही सवाल आपका खाली तीन नंबर में आता, अगर आता तो खाली ये रिलेशन लिख देते और ये इक्विवेलेंस क्लास लिख देते, पार्टीशन लिख देते, वो तीन नंबर मिल जाता, एक नंबर यहाँ मिलता, एक नंबर यहाँ मिलता और एक नंबर यहाँ मिलता, पांच नंबर का आया है तो आप इसको ड्राइव भी कर दो, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है। तो पांच नंबर देने में उसको अच्छा लगेगा, किसको, एग्जामिनर को, ध्यान देना एग्जामिनर को, हमेशा भूखे इंसान को, भूखे इंसान को जब खाना दो ना तो खाना बहुत अच्छे से परोस के दो, बहुत अच्छे से जब परोसे रहोगे ना तो बड़ा मन से खाता है। ठीक है। ओके। आपका आज का होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी क्लास 12 के रिलेशंस को पूरा लगा लेना है, जो दिक्कतें आएंगी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।